18वीं लोकसभा के स्पीकर का आज चुनाव होगा। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए एनडीए की तरफ से बीजेपी के सांसद ओम बिरला उम्मीदवार हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि ओम बिरला के पक्ष में लोकसभा में 13 प्रस्ताव हैं। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं की ओर से प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। पहला प्रस्ताव पीएम मोदी और राजनाथ सिंह का, दूसरा ललन सिंह और राजकुमार सांगवान का, तीसरा जीतन राम मांझी और शिवराज सिंह चौहान, चौथा अमित शाह और नितिन गडकरी का होगा। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी के घर पर बैठक। एनडीए के यूपी के सांसद पहुंचे हैं, वोटिंग की प्रक्रिया समझने के लिए पहुंचे हैं और आज लोकसभा स्पीकर को लेकर वोटिंग होनी है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे दें, जहां पर केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी के घर पर बैठक है। एनडीए के यूपी के सांसद यहां पर पहुंचे हैं वोटिंग की प्रक्रिया को समझने के लिए। तो आज वोटिंग की प्रक्रिया रहेगी, आज फ्लोर टेस्ट होगा, स्पीकर को लेकर फ्लोर टेस्ट कराया जाएगा। स्पीकर पद को लेकर सहमति नहीं बन पाई है पक्ष और विपक्ष के बीच, तो ऐसे में वोटिंग की प्रक्रिया आज रहने वाली है। 11 बजे का वक्त बताया गया है, तो 11 बजे के आसपास सदन में वोटिंग की प्रक्रिया होगी। अठारहवीं लोकसभा के स्पीकर का आज चुनाव होगा। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए एनडीए की तरफ से बीजेपी के सांसद ओम बिरला उम्मीदवार हैं। वहीं इंडी गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद के सुरेश उम्मीदवार हैं। आज सुबह 11 बजे स्पीकर पद के लिए वोटिंग होगी। लोकसभा में संख्या बल सत्ता पक्ष एनडीए के ही पक्ष में है। तो आज सुबह 11 बजे चुनाव होगा, आज सुबह 11 बजे वोटिंग की प्रक्रिया होगी। लोकसभा के स्पीकर का आज चुनाव होगा, तो सहमति नहीं बन पाई है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच, जिसके चलते ये चुनाव कराना पड़ रहा है। और दोनों ही कैंडिडेट्स को लेकर जानकारी भी आपकी स्क्रीन पर आ गई है। ग्राफिक्स के जरिए आप देख पा रहे हैं के सुरेश कौन है और ओम बिरला कौन है। 2019 की अगर बात करें तो तब भी वो लोकसभा स्पीकर चुने गए थे और अब दूसरी बार ये दावेदारी करते नजर आएंगे। दूसरी बार एनडीए के ये उम्मीदवार हैं। सहयोग और मदद मिलनी चाहिए, उन मददों को भी सरकार ने नहीं पूरा किया और वहीं भेदभाव और अन्याय लगातार दिल्ली की सरकार ने किया है। और दिल्ली की सरकार ने तो खासकर, अब दिल्ली की सरकार में कंफ्यूज ना हो, केंद्र सरकार ने सबसे ज्यादा भेदभाव अगर किसी के साथ किया है तो वो दिल्ली सरकार के साथ और खासकर। तो लोकसभा के स्पीकर का आज चुनाव होगा, फ्लोर टेस्ट आज कराया जाएगा और काफी महत्वपूर्ण दिन आज का। संसद का सत्र चल रहा है और इस दौरान सदन में आज वोटिंग होती हुई नजर आएगी, वोटिंग की प्रक्रिया होगी, फ्लोर टेस्ट कराया जाएगा। स्पीकर चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि के सुरेश का समर्थन करेगी टीएमसी। जी हां, टीएमसी के जितने भी सांसद हैं वो के सुरेश का समर्थन करते नजर आएंगे, ये जानकारी मिली है। और स्पीकर के लिए एनडीए वर्सेस इंडिया आज देखने को मिलने वाला है, लेकिन इसमें टीएमसी की तरफ से माना जा रहा है कि के सुरेश का, जो विपक्ष के उम्मीदवार थे लोकसभा स्पीकर पद के लिए, उनका समर्थन टीएमसी यहां पर करने वाली है, ममता बनर्जी की पार्टी। तो ऐसे में उनका भी साथ मिल सकता है। तो टीएमसी अगर समर्थन करती है तो क्या संख्या बल के हिसाब से यहां पर के सुरेश ये फ्लोर टेस्ट में पास हो पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन अभी तक संख्या बल के हिसाब से जो बहुमत है वो एनडीए के पास है। विपक्ष के स्पीकर उम्मीदवार के सुरेश ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। चुनाव के पहले के सुरेश का क्या कहना है, आइए सुनते हैं।
It's not an issue because there is a they are denied opposition demand for deputy speaker post. That's why we are contesting against the speaker post. सर टीएमसी भी आपसे खुश नहीं, उन्होंने कहा कि अकेले डिसीजन ले लिया जबकि इंडिया अलायंस में है, ऐसे में सबसे पूछना चाहिए था। ये थोड़ा कम्युनिकेशन गैप आया था, फिर हम एक्सप्लेन कर दिया क्या कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन गैप हम एक्सप्लेन कर दिया, देन टीएमसी अंडरस्टैंड why it was not happened before that. So now yesterday evening India Alliance Partners meeting they had attended, Derek O'Brien and also Kalyan Banerjee, both leaders attended the meeting. We explained the situation, what happened, the filing nomination and what happened. We explained, they understand. Also they now today they will पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस। सर अगर 11 बजे तक भी इंडिया गवर्नमेंट आप लोग से कहती है कि डिप्टी स्पीकर का पद हम दे देंगे तो क्या आप लोग अभी भी पीछे हट सकते हैं? आई डोंट बिलीव दैट दे विल ऑफर टू डिप्टी स्पीकर पोस्ट। और चलिए सीधा रुख करते हैं दिल्ली से, विनीत कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। विनीत, 11 बजे संसद में फ्लोर टेस्ट होगा और सबकी नजरें इसी पर टिकी रहेंगी क्योंकि टीएमसी ने भी ऐलान कर दिया है कि टीएमसी भी समर्थन करेगी के सुरेश का, जो कि विपक्ष के उम्मीदवार है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो डिप्टी स्पीकर का जो पद मांगा जा रहा था विपक्ष की ओर से, उसे लेकर भी लगता नहीं है कि उन्हें डिप्टी स्पीकर का पद देने के मूड में सत्ता पक्ष है। ऐसे में कह सकते हैं कि एक घमासान आज संसद में देखने को मिलने वाला है। विनीत जी, निश्चित तौर पर सीना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारे सांसदों से बात हो रही थी, केंद्रीय मंत्रियों से बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना था कि अब जो है यहां पर संख्या बल की बात जो है वो नहीं होनी चाहिए। बीजेपी की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है, अब बीजेपी के सांसद और केंद्रीय मंत्री से जो हमारी बात हुई उनका साफ तौर पर कहना है कि जो स्पीकर का पोस्ट होता है वो सर्वसम्मति से चुना जाना चाहिए। बहुत कम ऐसे मौके आए हैं जब चुनाव हुआ है, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से अगर हम बात करें संख्या जो है वो एनडीए के साथ में है और एनडीए के जो उम्मीदवार है ओम बिरला वही जीत जाएंगे, लेकिन वो चाहते हैं जो बीजेपी की ओर से या फिर एनडीए की ओर से लगातार ये अब कोशिश की जा रही है कि सर्वसम्मति से जो है वो फैसला हो। जहां तक कि डिप्टी स्पीकर की पोस्ट की बात हो तो निश्चित तौर पर जब हमारे बीजेपी के नेताओं से बात हुई तब उनका साफ तौर पर कहना था कि यहां पर जो चर्चा हो रही है वो यहां पर चर्चा जो है वो स्पीकर पोस्ट को लेकर के हो रही है और ऐसे में सशर्त समर्थन देने की बात जो है वो ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं जो समर्थन दिया जा रहा है वो सशर्त समर्थन दिया जा रहा है वो ठीक नहीं है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें उनसे, जब हमने बात की तब उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर हम कई एनडीए को छोड़ दे, अगर हम विपक्षी पार्टियों के गठबंधन की बात करें, कांग्रेस शासित कई राज्य हैं वहां की बात करें, तो वहां पर जो डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है विधानसभा में वह जो है वो विपक्षी गठबंधन को, यानी फिर जो उस जगह पर जो विपक्षी पार्टियां हैं एनडीए की जो पार्टियां हैं उन्हें नहीं दिया गया है। तो यहां पर इस चीज को लेकर के जो बार्गेन विपक्ष की ओर से किया जा रहा है उसको लेकर के सत्ताधारी पक्ष की ओर से आपत्ति जताई गई है और साफ तौर पर कहा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष का जो पद होता है सर्वसम्मति से फैसला किया जाता है और सर्वसम्मति से फैसला किया जाना चाहिए और इसको लेकर के सत्ताधारी पक्ष की ओर से लगातार अपील जो है वो की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विनीत, विस्तार से आपने जानकारी दी।